रोहित शर्मा के सिख से टूटी एक दर्शक की नाक, ले जाया गया तुरंत अस्पताल। भारत और श्रीलंका के बीच जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा के एक शॉट से चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच देख रहा एक दर्शक घायल हो गया। रोहित शर्मा ने पहली पारी में सिर्फ एक ही छक्का लगाया था जो कि स्टैंड में जाकर गिरा। रोहित ने अपनी छोटी सी 15 रन की पारी में सिर्फ एक चौका और एक छक्का लगाया था। एक बड़े अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक रोहित शर्मा ने जो विश्व फर्नांडो की गेंद पर अपनी पारी का एकमात्र सिक्स डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेला था, उस गेंद में वहां पर मौजूद एक दर्शक को वो गेंद जाकर लगी। छक्का लगने के बाद जहां एक तरफ बाकी दर्शक मैदान पर चीयर कर रहे थे, वहीं एक दर्शकों अपनी नाक पकड़कर चिल्ला रहा था। मिली जानकारी के अनुसार फर्स्ट एड के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया जहां एक्सरे में उनकी नाक की हड्डी टूटने की खबर है। एक रिपोर्ट की माने तो एक 22 साल का शख्स था जिसको बाद में होसमत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी नाक पर कट का निशान भी बन गया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की मदद से उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अगर मैच की बात करें तो भारत के पहले दिन 252 रनों के जवाब में श्रीलंका की टीम ने एक बार फिर से घुटने टेक दिए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक लंका की टीम ने